नमस्कार जनप्रभा सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना के दौरान वर्क फ्रॉम होम पर दी अपनी राय। का महिलाओं पर डाला तिहरा बोझ, महामारी ने सभी को सिखाया। 50% किशोरों को पहली डोज लगने पर पीएम मोदी ने दी बधाई। का राह दिखा रहा है युवा और युवा भारत, ये उत्साहवर्धक खबर। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के संबंध में केंद्र का निर्देश। का तिरंगे का ना हो अपमान, सभी राज्य करें सुनिश्चित। गणतंत्र दिवस पर कार बम से आतंकी हमले की जताई गई आशंका। निशाने पर वीआईपी, आईबी ने दिल्ली पुलिस को दिया इनपुट। यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला ने एस जयशंकर से की बात। आतंकी हमले में भारतीयों के जान गंवाने की घटना पर जताया दुख। आगामी 5 चुनावी राज्यों में भाजपा करेगी हाइब्रिड रैलियां। कोरोना के चलते फिजिकल रैलियों और रोड शो पर है पाबंदी। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा आज भाजपा में होंगी शामिल। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में की मुलाकात। चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। पीएम की मौजूदगी में लगेगी 5 राज्यों के उम्मीदवारों पर मुहर। गोवा में कौन होगा आम आदमी पार्टी का सीएम उम्मीदवार? पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल आज करेंगे ऐलान। गोवा चुनाव में टीएमसी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। राज्यसभा सांसद लुइजिन्हो फलेरियो को भी दिया टिकट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। 2 से 3 जगहों पर उनके पास विकल्प, लेकिन अभी सीट तय नहीं। पीएम मोदी 25 जनवरी को गुजरात के कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। 2022 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे चर्चा। महाराष्ट्र में 12 भाजपा विधायकों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। कहा निलंबन के पीछे होनी चाहिए ठोस वजह, ये लोकतंत्र के लिए खतरा। दिल्ली NCR समेत कई इलाकों में 22 जनवरी से बारिश के आसार। अभी और सताएगी ठंड, बिहार यूपी समेत कई राज्यों में रहेगा कोल्ड डे। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के आए 2,82,000 नए केस। इस दौरान 441 संक्रमित मरीजों की चली गई जान। देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर हुई 18,30,000। अभी तक 4,87,202 लोगों की जा चुकी है जान। दुनिया भर में 24 घंटे में कोरोना के आए 20,71,000 मामले। नए संक्रमितों में करीब 4,00,000 मरीजों के साथ शीर्ष पर अमेरिका। कोरोना को लेकर WHO ने दुनिया भर को दी चेतावनी। कहा ओमिक्रॉन के बाद भी आएंगे नए वेरिएंट। वैश्विक पर्यटन पर कोरोना महामारी ने डाला गहरा असर। UN ने कहा 2024 से पहले हालात सुधरने के नहीं आसार। NEET UG दाखिले के लिए आज से शुरू होगा पंजीकरण। 4 चरणों में पूरी होगी काउंसलिंग की प्रक्रिया। एयर इंडिया को अमेरिका की उड़ानों में करनी पड़ेगी कटौती। 5G के कारण इंजन और ब्रेक सिस्टम में उत्पन्न हो सकती है बाधा। ठंड और कोहरे के चलते रेलवे ने 400 ट्रेनों को पूरी तरह किया रद्द। 18 ट्रेनों को किया शॉर्ट टर्मिनल, कई के बदले रूट। सीएम नीतीश के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने किया ऐलान। का ठंड खत्म होने पर गांधी मैदान में कराएंगे पियक्कड़ सम्मेलन। पाकिस्तान में विपक्ष ने इमरान को धार्मिक शोषक का दिया नाम। कहा शासन चलाने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे पीएम। कर्ज से दबे कारोबारी विजय माल्या की बढ़ सकती है मुश्किलें। लंदन के अपने आलीशान घर से होना पड़ सकता है बेदखल। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में फोन के जरिए शामिल हो सकते हैं वकील। चीफ जस्टिस ने लैपटॉप या डेस्कटॉप ना होने पर दिया विकल्प। भारतीय नौसेना के जहाज INS रणबीर में हुआ विस्फोट। नौसेना के 3 कर्मचारियों की गई जान, 11 अन्य घायल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना कर्मियों की जान जाने पर जताया दुख। राहुल गांधी ने की घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। गाजियाबाद में 36 मतदान केंद्र और 158 बूथ संवेदनशील घोषित। मतदान केंद्रों और बूथ के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल होंगे तैनात। IT कंपनियों को नया आरक्षण से 2 साल की छूट देगी हरियाणा सरकार। दुष्यंत चौटाला बोले कुशल श्रमिकों की कमी वाले उद्योगों को भी रहेगी छूट। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष ने नाना पटोले की गिरफ्तारी न होने पर उठाए सवाल। बोले CM के खिलाफ टिप्पणी पर राणे गिरफ्तार हो सकते हैं तो पटोले क्यों नहीं। भूपेश बघेल ने CM योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर कसा तंज। बोले भाजपा में नेतृत्व का संकट, परिणाम से पहले योगी भेजेंगे मठ। मणिपुर के विधायक जॉय किशन सिंह कांग्रेस से निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में शीर्ष नेतृत्व ने की कार्रवाई। UP भाजपा के उपाध्यक्ष पंकज सिंह ने नोएडा से दाखिल किया नामांकन। बसपा, कांग्रेस और सपा के उम्मीदवारों ने भरे अपने अपने पर्चे। कोरोना संबंधी नियमों के उल्लंघन पर सपा को चुनाव आयोग ने दी चेतावनी। का भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों का नहीं होना चाहिए उल्लंघन। UP विधानसभा चुनाव में सपा के लिए प्रचार करेंगी ममता बनर्जी। सपा के उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने TMC के समर्थन का किया दावा। पंजाब में पूर्व सेना प्रमुख जनरल JJ सिंह भाजपा में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। दूर संचार विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्ड नियमों में किया बदलाव। NOC संबंधी नियमों से विदेश जाने वाले भारतीयों को होगा फायदा। मनीष तिवारी ने डेटा संरक्षण विधेयक के ढांचे पर उठाए सवाल। बोले सरकारी आदेश में निहित हो जाएंगे डेटा संरक्षण प्राधिकरण के अधिकार।
WHO के शीर्ष अधिकारी ने वायरस के खत्म होने को बताया संभव का अंततः पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बन जाएगा कोरोना वायरस। IAS कैडर नियम 1954 में संशोधन का ममता ने किया विरोध, बोली प्रतिनियुक्ति नियमों में बदलाव से राज्यों का प्रशासन होगा प्रभावित। सीमा के आधे हिस्से पर मेघालय का दावा स्वीकार कर सकता है असम, संयुक्त समितियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में सामने आई जानकारी। चिराग पासवान ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की उठाई मांग, राज्यपाल फागू चौहान को जहरीली शराब कांड को लेकर लिखा पत्र। यूक्रेन से तनाव के बीच सैनिकों को बेलारूस भेज रहा है रूस, पश्चिमी देशों में हमले के डर के बीच सैनिक करेंगे बड़ा युद्धाभ्यास। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 2 उपायुक्त, 7 IG और 8 SSP के तबादले का दिया आदेश। राहुल गांधी ने सीएम चन्नी के रिश्तेदार के घर पड़े छापे पर उठाए सवाल, बोले इकलौते दलित सीएम के खिलाफ प्रतिरोध की कार्रवाई कर रही है सरकार। सिक्किम ने अन्य राज्यों से आने वाले दूध पर लगाई पाबंदी, पैकेट बंद और डिब्बा बंद दूध के गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों पर की कार्रवाई। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने मानवाधिकारों में सुधार का लिया संकल्प, बोले मानवाधिकार नीतियों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की गलत फहमियों को करेंगे दूर। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला एक दिवसीय मुकाबला आज, जीत के साथ सीरीज का आगाज करना चाहेगी टीम इंडिया। अंडर-19 विश्व कप में आज भारत के सामने आयरलैंड की चुनौती, अपनी विजयी टीम के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहेंगे कप्तान। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद, नमस्कार।